ले ले रहा हूं आई यो मतलब का करत रहली ये ना गोहरा रोड 10-15 रे हटावत हटावत ले लिए कोनवा गईली चली देखाई जहां का निकल ले बा पटनिया पर गईली है बस जब ही देखली है सपवाई से बैठल बा तौले ई कूद गईल इतना ऊपर पटनी पर ऊपर कूद गईली जे घर में डेरा के संपात के घर भर खात माने लईकी अरे तब कुल लगली है कौन कूद गया था आप ही कूद गई थी माता जी बोला घाव नहीं लगा ना कैसे आप सभी लोग आ चुका हूँ रावत पार ग्राम सभा जो कि गोरखपुर जिला के अंतर्गत है और यही पीछे घर देख रहे हैं यहाँ कोई सांप घर के अंदर है और काफी ऊपर कहीं छज्जे में बता रहे हैं तो चलिए देखते हैं कौन सा सांप है क्या है उसको रेस्क्यू करेंगे रेस्क्यू करने के बाद घर परिवार का डर को क्लोज करेंगे खत्म करेंगे और उस बेजुबान को भी सुरक्षित बचाएंगे और ये परिवार ना बहुत देर से परेशान है कब से सामने निकला था अरे 2 घंटे हो गए दो तीन घंटे हो गए बता रहे हैं आइए देखते हैं क्या होता है ये आ जाइए आपको मैं दिखाता हूँ पहले तो ये छज्जा आप देख लीजिए देखिए दोस्तों एक काफी ब्लैक कलर का एक सांप बैठा हुआ है और सोचिए इतना ऊपर और इतने कम स्पेस के अंदर आराम से वहां बैठा हुआ है जहां कोई सोच समझ सकता ही नहीं और एक चीज मैं दिखाऊंगा इस छज्जे पे देखिए क्या उपले है गोईठा अक्सर करके यूज होता है और बताइए इसको हटाने के लिए अगर घर के किसी कोई भी सदस्य अगर आता तो ये उनके साथ कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी ये लोग बच गए हैं सेफ और अब करते हैं हम लोग भेजवा से उस वाले रूम में भी आपको दिखाता हूँ इधर से दिखाई दे रहा है का हो में बा ये इसका हेड वाला पोर्शन है मुंडी निकाल के इधर से देख रहा है इसको इधर से टच तो इसको इधर से हम लोग टच करते हैं ताकि ये उस साइड भागे नहीं तो इस साइड भागे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ये देखिए ये भाला है अक्सर करके लोग ना इसका इस्तेमाल सांपों को मारने के लिए कर रहे हैं आज मैं भी इसी से मारूंगा उसको ऐसा नहीं दोस्तों इसको थोड़ा टच करेंगे खाली वो उस साइड चला जाए देखता रहो तो यार ताकि इधर ना आए छोटा या हटवा दो यार निकल जाओ जगह नहीं उधर और ये उधर जा रहा है चलिए उधर से इसको रेस्क्यू करते हैं फिर इधर ही आ रहा है और माता तो माता से जब कहेंगे तो तो चलिए सीढ़ी तो रेडी है अभी अभी यतन गौरी आई है देखिए काफी साइनेबल है और मुझे लगता था ना कि ये यही रहता था क्योंकि ये देखिए जगह ही काफी अच्छा नीट एंड क्लीन बना के रखा हुआ है उपली जब भी कोई लेने आता है तो घटना बहुत बड़ी हो सकती है अक्सर करके देखने को मिलता है कि गोईठा वगैरह जो निकालते समय ही सांप काटते हैं तो आप सभी लोग से निवेदन है सेफ रहें क्योंकि अभी आ गया ठंडी का समय तो ठंडी में उपला गोईठा पुअरा लकड़ी ऐसे गर्म स्थान पर भूसा ऐसे गर्म स्थान पर सांप छुप कर दे हेलो हाँ एनालिस्ट को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया काफी चमकदार है इसका मतलब खिचड़ी कहीं छोड़ दी तो चलिए यहाँ जगह तो बहुत कम है नीचे ही लेकर चलते हैं नीचे नीचे बाइक कर रहा है और काफी खूबसूरत है और खिचड़ी ना निकाल दिया है इसलिए इतना ज्यादा चमकदार है इसकी बॉडी इतने ज्यादा साइनेबल है कि समझ लीजिए इसीलिए सांप अक्सर करके जब बॉडी स्किन निकाल देते हैं ना तो बहुत ज़्यादा साइनेबल चमकदार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा फुर्तीले हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं जब भी स्किन निकालते हैं तो उस दौरान बिल्कुल सेफ्टी से कार्य करना पड़ता है और
घटना तो देखिए इस परिवार के साथ बहुत बड़ी होने वाली थी, लेकिन होता है ना कि बचाने वाला भगवान होता है। आज इन परिवार को प्रोटेक्शन दे दिए भगवान ने, क्योंकि ये गोईठा लेने के लिए तो आना ही आना है, क्योंकि अभी आ गया ठंड का समय। ठंड के समय में ऐसे ही गोईठों में उपलों में छिपके बैठते हैं सांप। तो चलिए अपन नीचे चलते हैं। फाइनली दोस्तों उस घर के अंदर से हमने सुरक्षित इस सांप को बाहर ला लिया। और इस रेस्क्यू को देखने के लिए इस ग्राम सभा के कुछ हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, प्यारे बच्चे आए हुए हैं। और सांप जब भी निकलता है तो लोगों के माइंड में, लोगों के जहन में एक ही चीज आता है कि काश कोई बीन मंत्र वाला रहता तो मेरे घर से सांप को निकाल देता। लेकिन बीन मंत्र से सांप नहीं निकलता, आप लोग को बार बार रिपीट एंड रिपीट बताया जाता है। कोई बीन मंत्र से सांप निकाल देगा तो 1,00,000 रुपये मोहित कश्यप सर्प मित्र की तरफ से इनाम उस व्यक्ति को दिया जाएगा। लेकिन मेरे सामने निकालना, क्योंकि ये जो सांप है ना, ये सांप के कान नहीं होते, ये सांप के कान नहीं होते, बिन मंत्र नहीं सुन सकता है। ये खाली एक ढंग का मंडल है और अंधविश्वास को बढ़ावा देने का कार्य है। क्योंकि ये जो सांप आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, एक स्पेक्टिकल कोबरा है जिसको भारतीय नाग बोलते हैं। दिखने में साइज इसका छोटा है, लेकिन बोलेंगे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अगर सोचिए जरा, ये किसी को अगर काट ले तो क्या हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है सही टाइम पे इलाज ना मिले तो। क्योंकि इसके बॉडी के अंदर जो जहर है, इसके जो दांतों में जो जहर पाया जाता है, जो इस सांप के अंदर जो जहर है, न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर है। न्यूरोटॉक्सिन व्यक्ति के न्यूरो पे बुरा अटैक करता है और उसकी नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तंत्रिका तंत्रे काम करना बंद कर देती है, उस व्यक्ति की मृत्यु 1 घंटे के अंदर हो जाती है। कभी भी सांप काटता तो रिलैक्स रहिए, घबराइए मत, हॉस्पिटल रवाना हो जाइए। क्योंकि इसके काटने पे आपको जिला अस्पताल में जाके एंटीवेनम इंजेक्शन लेना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है, नहीं तो भैया झाड़ फूक में पड़े तो आपको मर जाना है, आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि झाड़ फूक आपकी जान नहीं बचा सकता है। तो चलिए अब इसको कर देते हैं सुरक्षित पैक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यह एक कोबरा प्रजाति का सांप है, और पीछे जो इसका मार्क देखिए काफ़ी खूबसूरत और साइनेबल है, यही मार्क के वजह से इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। और इसी को नाग भी बोला जाता है, इसी को वैज्ञानिक जो नेम है इसका नाजा नाजा है। चलिए अब कर देते पैक। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय प्रकृति। तुम बका हो अरे वो सब की। चलिए अब कर देते हैं पैक। चलो महाराज अंदर चलो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।